प्रिय मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जीएस विद हिमांशु राय। आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरी जो करंट अफेयर की क्लास है थोड़ा दोपहर के बाद में आती है, बाकी लोग जो है सुबह में ही कर देते हैं। कारण यह है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से अच्छे करंट अफेयर ही मिले जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। आपको ये एग्जाम में हमेशा पता होना चाहिए कि क्या चीजें पढ़नी है और क्या चीजें छोड़ देनी है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी एग्जाम में आए वही मैं आपको बताऊं। ऐसे तो बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा जिसको पढ़ते पढ़ते उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन कंटेंट खत्म नहीं होगा। इसलिए हमेशा प्रयास करिए कि वो चीजें पढ़िए जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। चलिए आज के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द अटल अन्वेषी शिखर सम्मान 2022। तो यानी अटल अन्वेषी शिखर सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया। देखिए एक चीज और मैंने इसमें ऐड किया है, जिसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के ही बच्चे जो है, जो दोनों के स्टूडेंट है, दोनों के लिए ये काम आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो स्लाइड है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में उपलब्ध है। तो पहला ऑप्शन है सोफिया मलिक, प्रभु चंद्र मिश्रा, अच्युत सामंत, अर्जुन आचार्य, इनमें से क्या सही होगा। तो इसमें सही आंसर क्या है, सही आंसर है बी, यानी प्रभु चंद्र मिश्रा, यानी बी ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। इन्हीं को, प्रभु चंद्र मिश्रा को अटल अन्वेषी शिखर सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। ये आपका पहला क्वेश्चन था। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट केस ऑफ डेडली ब्रेन ईटिंग अमोबा इन्फेक्शन हैज बीन रिपोर्टेड इन। तो अमीबा का जो संक्रमण है वो, देखिए अमीबा का एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी केवल एक उसमें सेल पाया जाता है और वो अलग अलग जगहों पर पाया जाता है और बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से होती हैं। तो पहली बार ऐसा अमीबा को ट्रेस किया गया है जो ब्रेन के अंदर ब्रेन को खा जाता है। तो और ये कहां पे किया गया, यही आंसर आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, जापान या रूस, यानी कि रशिया। कहां पर ये पाया गया है, ब्रेन ईटिंग अमीबा कहां पर पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका दक्षिण कोरिया में। मित्रों याद होना चाहिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दक्षिण कोरिया में इस प्रकार का जो है अमीबा पाया गया है। ठीक, अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है FSSAI, हमेशा ये काफी ज्यादा न्यूज में रहता है ना, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं कि जो भी फूड वगैरह खाते हैं, जो भी पैकेजिंग होती है, वो इनको ये लाइसेंस देने का काम करते हैं। उसका जो स्टैंडर्ड है, उसकी क्वालिटी है, वो जांच करते हैं, उसको मेंटेन करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो सीईओ कौन नियुक्त हुआ है ये आपको बताना है। तो इनके सीईओ जो है नियुक्त है गंजी कमला वी राव, याद रखना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, गंजी कमला वी राव। तो वी राव याद रख लेना, ज्यादा अच्छा रहेगा, आसान रहेगा, वी राव याद रखो। कभी भी बहुत बड़ा नाम हो तो आप उसको शॉर्ट करके याद करने का प्रयास करते रहे ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। तो ठीक है, वी राव याद करके इसको आप रट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुंडेरा बाजार म्युनिसिपल काउंसिल इन उत्तर प्रदेश हैज बीन रिनेम्ड टू। तो ये जो आपका मुंडेरा बाजार था नगर पालिका परिषद, इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये गोरखपुर के पास उपस्थित, मैं आपको बता दे रहा हूं, और इसका नया नाम क्या रखा गया है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है काकोरी, खलीलाबाद, चौरी चौरा या आपका कैपिरगंज, ये कौन सा नाम इसमें रखा गया है? तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका चौरी चौरा नाम रखा गया। तो चौरी चौरा कांड के बारे में आपको पता होगा, 4 जनवरी 1922 याद रखना। तो 4 जनवरी 1922 को ये हुआ था और इसी के उपलक्ष में जो ये नाम है मुंडेरा बाजार का, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। और नाम क्या परिवर्तित करके रखा गया है, चौरी चौरा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन बैंक हैज लॉन्च्ड एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम। एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम इन्होंने कहां पे शुरू किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ स्टेट ड्रिवन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि कौन से स्टेट में ये शुरुआत किया गया। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, तीसरा और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो ये एमएसएमई प्रेरणा ये कहां पे स्टार्ट किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, इंडियन बैंक के द्वारा। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यानी कि राजस्थान, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, 11 डे लॉन्ग फेस्टिवल धनु यात्रा हैज बीन
स्टार्टेड यानी 11 दिवसीय त्योहार धनु यात्रा कहां पे शुरू किया गया है। तो धनु यात्रा त्योहार कहां पर होता है ये बताना है। पहला ऑप्शन उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका सही है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर ये धनु यात्रा की शुरुआत की है और कितने दिन ये चलता है, 11 दिन ये चलेगा, ये भी बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मित्रों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विल बिल्ड अटल बिहारी वाजपेयी ग्रैंड मेमोरियल इन, यानी मध्य प्रदेश का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार यूपी पीसीएस के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए आपको अटल बिहारी वाजपेयी ग्रैंड मेमोरियल कहां पर बनाया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्वेश्चन में तो मध्य प्रदेश दे दिया गया है, हो सकता है अगली बार मध्य प्रदेश न दे। तो कहां पर है ये बनाया जा रहा है, आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ग्वालियर के अंदर ये बनाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी ग्रैंड मेमोरियल। याद रखिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट है ग्वालियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ई सुश्रुत, क्या नाम है ई सुश्रुत। सुश्रुत जानते हैं ना, चिकित्सा विज्ञान के ये काफी बड़े महारथी थे। तो ई सुश्रुत हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, ये बताना है आपको ये कहां पर इनॉग्रेशन किया गया ई सुश्रुत का, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और चौथा है हरियाणा। बताइए इसमें कौन सा सही है। तो इसमें सही है उत्तर प्रदेश, याद रखना। तो उत्तर प्रदेश में ई सुश्रुत ये शुरू किया गया और ये है क्या, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इसके द्वारा जो भी आपका हॉस्पिटल होंगे उनको मैनेज किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज एग्रीड टू स्टार्ट नेगोशिएशन फॉर ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच नेबरिंग कंट्री, यानी किस पड़ोसी देश के साथ भारत फ्री ट्रेड के लिए अब एग्री हो रहा है कि इसके ऊपर वो डिस्कस करना स्टार्ट कर देगा। तो पहला ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा नेपाल और चौथा ऑप्शन है आपका श्रीलंका। तो बताना है किसके साथ ये फ्री एग्रीमेंट करने के लिए अब नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हाल ही में जल्द ही दिसंबर महीने के लास्ट में ये भारत और बांग्लादेश आपस में इसके लिए एग्री हुए। देखिए हमारा पड़ोसी देशों के साथ ज्यादा फ्री एग्रीमेंट अभी तक नहीं है, और अगर पड़ोसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है इसका काफी फायदा होगा, क्योंकि फिर ये जो सीमा शुल्क लगता है कस्टम ड्यूटी वो खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इसकी वजह से जो ट्रेड दोनों देशों के बीच में है वो काफी बढ़ जाएगा। तो अभी भारत और बांग्लादेश के बीच में जिस हिसाब से जिस बल्क में ट्रेड होना चाहिए वो तो नहीं हो रहा, लेकिन भविष्य में ऐसा देखने में आएगा कि ये ट्रेड और बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ हम लोग मुक्त व्यापार की बात अब शुरुआत करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ गूगल सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय एचडीएफसी सिक्योरिटी। तो एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने एक गूगल के सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और उसका नाम बताना है। पहला इसका ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा रूट, तीसरा है अधिकार और चौथा है सुरक्षा। तो इसमें से क्या सही होगा, शिक्षा ये रूट है एक्चुअली जड़े, यहाँ पर आप देखें अगर तो हिंदी में ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाता है, ठीक, तो इसको रूट कर लेना, ठीक रूट। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा, रूट्स। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये ऑप्शन भी यही सही है, यानी बी ऑप्शन ही इसका सही है, यानी इसका नाम क्या है, रूट्स नाम है उसका, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि जो आपका गूगल सर्च ड्रिवन एजुकेशन प्लेटफॉर्म एचडीएफसी सिक्योरिटी ने लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द लोकायुक्त बिल 2022। तो देखो लोकायुक्त को लेकर काफी बवाल होता रहता है हमेशा, क्योंकि लोकायुक्त क्या करता है, जो सरकारी अधिकारी हैं उनके ऊपर नजर रखता है कि ये करप्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसमें कई बार ये मामला आता है कि इसमें आपके मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, गवर्नर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और बड़े अधिकारी कुछ वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसके अंतर्गत। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोकायुक्त बिल 2022 पास किया है, जिसके अंतर्गत चीफ मिनिस्टर गवर्नर को भी रखा गया है कि अगर वो भी कोई करप्शन करते हैं तो सीधे सीधे शिकायत की जा सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लगा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, कौन सा राज्य लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वो कौन सा है, वो महाराष्ट्र सही है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं मित्रों। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका एंड विच कंट्री हैव
एग्री टू यूज द इंडियन रूपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि श्रीलंका और किस देश ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त कर दी है। तो देखो, भारत अब काफी धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है, और आपको पता है कि इस समय हम लोग जो इंटरनेशनल जो भी चीजें चल रही, यूक्रेन रशिया के साथ युद्ध, और साथ में जो हम इस समय G20 के अध्यक्ष भी हैं, तो इंडिया अपना पोजीशन काफी स्ट्रांग बना रहा है और इंडियन रूपी का यूज और दूसरे देश भी करना चाहते हैं। तो इनमें से कोई एक देश ऐसा है जो श्रीलंका के साथ इंडियन रूपी में ट्रेड करने के लिए एग्री हो गया है, और ज्यादातर जगहों पर डॉलर में ट्रेड, अमेरिकन डॉलर में ट्रेड किया जाता है। तो यही है, कौन सा देश है? तो ऑब्वियस सी बात है, भारत का मित्र देश इस समय कौन है? रशिया। और रशिया को इस समय पैसे की जरूरत है, चाहे वो रुपए में आए या डॉलर में आए। रुपए में लेना उसके लिए इसलिए फायदेमंद है क्योंकि वो भारत के साथ उसका काफी ज्यादा ट्रेड है, भारत वहां से हथियार खरीदता है, भारत वहां से बहुत सारा ऑयल परचेज करता है, और रशिया भी बहुत सारी चीजें भारत के साथ परचेज कर रहा है मौजूदा समय में। तो ये कौन सा देश है आपका? रशिया। और दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बारे में हम फिर अलग से चर्चा करेंगे एक बार और कि इस समय उनका पोजीशन क्या चल रहा है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? और एक चीज भूलना नहीं है आपको, क्या? सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको क्लास अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, और एक बात और मैं फिर से कहता हूं कि पढ़ना वही चाहिए जो एग्जाम में आए, नहीं तो कंटेंट तो मार्केट में इतना ज्यादा है कि आपका पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन वो कंटेंट समाप्त नहीं होगा। ठीक है मित्रों, आज की क्लास हम लोग यहीं पर रखते हैं। आप लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।